हाय, मैं हूँ किशोरी शाहने विज एंड यू आर वॉचिंग फिल्मी बीट, द परफेक्ट एंटरटेनिंग चैनल। गरीब लोग सेल्फिश होते हैं, तो हम अमीर हैं, अमीरों की शादी अमीरों में ही होनी चाहिए। तो या शी इज़ अ वेरी क्यूट कैरेक्टर, आई फील एवरीबडी विल फॉल इन लव विद हर। बबीता आहूजा, ये एक कॉमन एलिमेंट है कि फैमिली को बहुत प्यार करती है। एक का प्यार में यकीन अटूट है, तो दूजा माने इश्क ही झूठ है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रणसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। जी टीवी पर एक नया शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है कैसे मुझे तुम मिल गए, और उसमें हमें नज़र आने वाले हैं सभी की फेवरेट किशोरी शाहने विज मैम। वैसे तो हम दो दिन पहले इनका इंटरव्यू कर चुके हैं, उस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमें और टाइम मिला है इनसे बात करने का। पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सुरभि एंड भावेश ऑन कैमरा एंड ये फिल्मी बीट तो मुझे लगता है मेरा घर का चैनल हो गया। रोज ही हम बातें करते रहते हैं, और लेकिन अलग अलग वैरायटी की बातें करते हैं जो एंटरटेन होती है। तो डेफिनेटली ये आज का जो शो है कैसे मुझे तुम मिल गए, इसमें मैं बबीता आहूजा का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है। जो मेरा पहला कैरेक्टर था भवानी काकू का, उससे तो बहुत कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है। यस, दिस ऑल्सो हैज़ अ ग्रे शेड, बट शी हैज़ रीजन्स फॉर इट। मतलब उनका जो पास्ट अनुभव रहा है अपने कि गरीब लोगों ने अमीरों का फ़ायदा उठाया है, तो उस रीज़न की वजह से वो सोचती हैं कि नहीं, गरीब लोग सेल्फिश होते हैं, तो हम अमीर हैं, अमीरों की शादी अमीरों में ही होनी चाहिए, ऐसा टाइप के थॉट प्रोसेस की है वो। तो या दैट्स द कैरेक्टर एंड शी इज़ फ्रॉम साउथ दिल्ली, तो डेफिनेटली ज़्यादा थोड़ा सा फ्लैशी है, थोड़ा शोई है। एक्चुअली मैं पंजाबी, मेरे हस्बैंड हैं दीपक बलराज विच, तो उनकी जो फैमिली मैंने ऑब्जर्व किया है ना, दे आर वेरी स्टाइलिश। वो संस्कार मेरे काम आ रहे हैं। तो दे आर वेरी शाइनीज, फ्लैशी एंड वेरी रिच, एंड ऐसे डायमंड 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 वगैरह पहने होते हैं उन्होंने। तो ये साउथ दिल्ली से फिर हम लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कल्चर डिफरेंस बहुत हुआ, ऐसा टाइप का वो कैरेक्टर है। तो मैं लाइन भी बोलती हूँ कि यार दिल्ली में तो अपनी कोठी होती है और मुंबई में देखो फ्लैट में रहना पड़ रहा है। सो ऐसे टाइप का है वो कैरेक्टर। एंड यस, लार्जर लाइफ है एंड बात का बतंगड़ बनाती है। तो या शी इज़ अ वेरी क्यूट कैरेक्टर, आई फील एवरीबडी विल फॉल इन लव विद हर। कि आपको ऐसा ही लगता कि आपको लोग ग्रे शेड में देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? इट इज़ अ ग्रे शेड ऑल्सो, बट शी हैज़ रीजन्स टू इट। इट इज़ नॉट, मतलब अभी पहले दूसरे एपिसोड में जो लीड है अपनी श्रुति झा, अमृता चिटनिस पंगा ले लेती है आहूजा से, तो चुप थोड़ी बैठेंगे। तो अभी तो उसको कीमत चुकाती रहनी पड़ेगी पूरा टाइम। तो ये है वो कैरेक्टर कि शी विल नॉट लिसन टू एनीवन, बिकॉज बहुत रिच है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और बिजनेस डील्स के बीच में अमृता चिटनिस गड़बड़ कर देती है, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो अगर आपके भवानी का कोई किरदार की बात करें, वो एक मराठी कैरेक्टर था और बहुत ही पुराने ख्याल का, और अभी आप जो बता रही है वो दिल्ली दिल्ली के लोग हैं, तो कितना आपको मज़ा आ रहा है उससे अब इस कैरेक्टर में स्विच करने में? सबसे बड़ा स्विच तो मेरे लुक में है, विच इज़ वेरी एन्जॉयबल एंड वेरी लवेबल। मुझे अच्छा लगता है अपने आप को सजाना, सजना धजना बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने को मिलती है। एंड कैरेक्टर बोले तो यस, शी वॉज कंजर्वेटिव बिकॉज शी वॉज फ्रॉम नागपुर एंड इन द नाइन ईयर साड़ी, और ये साउथ दिल्ली तो नेचुरली एक लिबरल फैमिली जैसे होते हैं, और अपना फैमिली को बहुत प्यार करती है भवानी वहाँ पे, तो वैसे ही ये बबीता आहूजा, ये एक कॉमन एलिमेंट है कि फैमिली को बहुत प्यार करती है। ऑफकोर्स ज़्यादा संस्कार संस्कार नहीं है आज की, और लेडी है, बट शी प्रोटेक्ट्स हर फैमिली एंड शी वांट्स दैट टू बी मेंटेन्ड। और साथ ही एक विराट वाला कनेक्शन भी है शो में। देखो तो भवानी भी है, भवानी अमृता चिटनिस की माँ दिखाई है, तो मैं जब भी स्क्रिप्ट लेती हूँ तो भवानी नहीं 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 बबीता आहूजा ऐसा हो जाता है मेरा, क्योंकि वो नाम तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है यार। तो अभी इसमें बहुत बबीता हो जाऊँ, और विराट, उसमें विराट मेरे देवर का बेटा दिखाया था, और इसमें मेरा बेटा दिखाया है या जो अर्जित निजा कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो यस, सो विराट एंड माई सेल्फ बबीता आहूजा, तो यस वी आर डूइंग लवली सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए, और इसके डायरेक्टर रंजन जी भी बहुत अच्छा बना रहे हैं शो। मुक्ता दून जो हमारे प्रोड्यूसर है, शी इज़ अ क्रिएटिव ऑफ सो मेनी शोज, तो टीवी की माहिर है, तो डेफिनेटली अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और बहुत अच्छे अच्छे अलग ही सीन्स कर रही हूँ मैं इस शो में, तो मुझे खुद को एक फीलिंग आ रही है कि इट्स विल बी अ डिफरेंट नाइस शो।
एवरीबडी फॉर एवरी वन एंटरटेनिंग रहेगा। वैसे तो हम मैम का बहुत टाइम लेते हैं हमेशा, लेकिन आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। एट लास्ट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से इस शो को लेकर? फिल्मी बीट की ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो फिल्मी बीट हमेशा देखिएगा, वो एंटरटेन तो आपको बहुत करते हैं, उसके साथ हमारा शो भी देखिएगा कैसे मुझे तुम मिल गए, रोज़ रात को जी टीवी पर 10 बजे। और बबीता आहूजा को प्यार दीजिएगा और इस शो को भी बहुत प्यार दीजिएगा, हम आपको बहुत एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।